यूक्रेन संकट के मद्देनजर रूस का ब्लैक सी में क्रीमिया के पास बड़े पैमाने पर नौसेना का सैन्य अभ्यास। 30 से ज्यादा जहाजों ने सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। पश्चिमी देशों की चेतावनी के बावजूद रूस ने सैन्य अभ्यास की गतिविधियां और तेज की। अमेरिका ने एक बार फिर से रूस को दी है आर्थिक प्रतिबंध की चेतावनी। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका रूस पर गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगा देगा। साथ ही कहा कि अगर रूस यूक्रेन संकट पर हल चाहता है तो अमेरिका कूटनीतिक माध्यम से भूमिका निभाने के लिए तैयार है। रूस यूक्रेन संकट के बीच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अपने यूक्रेन में नागरिकों से तत्काल देश छोड़ने का आग्रह किया है। पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि यूक्रेन में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को जल्द से जल्द देश छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहां की जो स्थिति है वो तेजी के साथ खतरनाक होती जा रही है। रूस से तनाव के बीच यूक्रेन के कानून प्रवर्तन अधिकारियों का अभ्यास। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया से 30 किलोमीटर दूर खेरसोन इलाके में अधिकारियों ने किया है अभ्यास। अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए अधिकारियों ने किया है यह अभ्यास। कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स के प्रदर्शन को लेकर बड़ा खुलासा। कनाडा में विरोध प्रदर्शन के पीछे कट्टरपंथी अमेरिकी संगठन का हाथ है। पिछले कई दिनों से राजधानी ओटावा में अनिवार्य वैक्सीनेशन के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है और ये ड्राइवर लगातार प्रदर्शन में डटे हुए हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जोरदार तैयारियां की गई हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए फ्रांस पुलिस ने पेरिस की सड़कों को बंद कर दिया है। सोमवार तक पेरिस में हिंसा के उद्देश्य से प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने शांति की अपील की है। यूनियन डे पर म्यांमार के सेना नेता मिन आंग लाइंग का बयान आया है। कहा है कि देश को दुश्मनों से बचाने के लिए तख्ता पलट किया गया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों ने धोखाधड़ी से सत्ता हासिल की थी। वहीं म्यांमार सरकार ने देश के सम्मान में 800 से ज्यादा कैदियों को रिहा किए जाने की घोषणा की थी। उत्तर कोरिया के पूर्व सर्वोच्च नेता किम जोंग इल की 80वीं जयंती पर राजधानी प्योंगयांग में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में करीब 3000 कलाकार समेत बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। हांगकांग में कोरोना के रिकॉर्ड केसेस आने के बाद हड़कंप मच गया है। शनिवार को हांगकांग में 13,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। बढ़ते हुए केसेस की वजह से सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं कोरोना जांच को लेकर कुछ जगहों पर अभी भी भारी भीड़ देखी जा रही है। विंटर ओलंपिक में अमेरिका ने जीता एक और गोल्ड। स्नोबोर्ड खिलाड़ी लिंडसे जैकबेलिस ने लगातार दूसरा गोल्ड जीत लिया है। जैकबेलिस ने यह गोल्ड इटली और कनाडा की खिलाड़ी को हराकर जीता है। इटली की खिलाड़ी को सिल्वर और कनाडा की खिलाड़ी को मिला है ब्रॉन्ज पदक।